वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्स के लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए 1 पैसे तक ये स्टॉक आ चुका है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक अभी तो 4 रुपए के आसपास चल रहा था, तो ये 2 रुपए कैसे आ गया। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि इस स्टॉक को यहाँ पर अभी स्प्लिट किया गया, जैसा कि आपको पता होगा 2:1 में ये स्प्लिट किया गया है। और कब किया गया है? मई 24 तारीख को, इसी साल 24 तारीख को स्प्लिट हुआ है। इस वजह से आपको 2 रुपए के भाव पे देखने को मिल रहा है, और ये ऑलरेडी बॉटम लगा चुका है। ऑलमोस्ट 1 रुपए 97-98 पैसे के आसपास ने बॉटम लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 1 रुपए 80 पैसे का लो भी इसने लगाया है, और इसका जो क्लोजिंग हुई है वो है 1.98 के आसपास। तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम बन चुका है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या और इसमें गिरावट हो देखने को मिल सकती है कि नहीं, इसमें एक्चुअली गिरावट हो क्यों रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, और सारे फैक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 156 है, और किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो मार्केट उसको करेक्ट करता है और वो स्टॉक नीचे आता है। अब हम बात करते हैं कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन उतना ज्यादा हाई क्यों है। तो अगर पीई को आप देखेंगे, पीई क्या होता है? प्राइस पर अर्निंग, यानी कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 2 रुपए 1 पैसे चल रहा है, और उसका अगर डिवाइड करेंगे अर्निंग से तो यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कंपनी की अर्निंग बहुत कम है। तो जब ये बहुत कम होगा तो प्राइस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इसी वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, और इसी कारण से जो स्टॉक है उसमें सेलिंग आ रही है। लेकिन अगर यही क्या हो जाए कि अगर जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 2 रुपए 1 पैसे चल रहा है, और जो कंपनी का यहाँ पे नेट इनकम है वो बढ़ जाए, एकदम से बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, तो हमें पी रेशियो में घटोतरी होते हुए देखने को मिलेगी, मतलब पी रेशियो कम हो जाएगा, और कम होने के बाद क्या होगा, मार्केट में फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। ये रहा पहला सिनेरियो जिस वजह से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, और इसी में आपके जो रीजन है गिरावट का रीजन भी इसी में छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा क्या तरीका है स्टॉक ऊपर जाने का। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स अगर स्टॉक को जबरदस्त बाइंग करते हैं तो ये स्टॉक फिर से अच्छे लेवल पे जा सकता है, और यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी चांसेस है कि स्टॉक अब बहुत जल्द बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिनों से लगातार हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ने की कुछ और भी रीजंस हैं, क्योंकि स्टॉक का जो है लिक्विडिटी बढ़ चुका है, जो इसका रेट है वो कम हो गया है, रेट कम होने के बाद क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑपरेटर्स के लिए और भी चीजें आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फोकस में रखना ये सभी पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी 120-130 करोड़ की है, लेकिन जो सेल्स कंपनी की आ रही है वो उतनी ज्यादा नहीं आ रही है। अगर आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे जिनका मार्केट कैप 120-130 के करोड़ के आसपास होता है, वो कम से कम 60-70 करोड़ की सेल्स लाते हैं हर क्वार्टर में, लेकिन इन लोग का क्या है कि 20 करोड़ के नीचे सेल्स आ रही है। प्लस आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, लाख में प्रॉफिट आ रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 8 लाख, 6 लाख, 44 लाख, 27 लाख हो रहा है, और जब लॉस हो रहा है तो 19 लाख। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, पी रेशो बढ़ गया है, और यही रीजन है स्टॉक के गिरने का। लेकिन आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि हर चीज की एक सीमा होती है, स्टॉक में गिरावट की भी एक सीमा है। यहाँ से सीधा ये स्टॉक जीरो नहीं हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जरूर जब ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगेगा, जैसा यहाँ पे देखने मिला था ना, लेकिन ये फॉल्स था, इसमें और गिरावट हो गई। तो यहाँ पे ऐसी रैली बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ सकती, और जब भी ऑपरेटर्स के हाथ में ये स्टॉक लगेगा बहुत जल्दी ये आपको 14-15 रुपए के लेवल पे आराम से देखने को मिल जाएगा। बट वो टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ये तो ऑपरेटर ही आपको बता सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऊपर के रेट पे बाय किया है, अब यहाँ पे सेल करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी ज्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है। आज आपको पता होगा मार्केट इतना वोलेटाइल था, लेकिन ये स्टॉक क्या है, आज प्लस है। अगर आप ऑल ओवर जो इसका चार्ट देखेंगे तो ये आपको प्लस देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ पे लाल निशानों में बंद हुआ है, लेकिन ये जो है प्लस में क्लोज हुआ है। तो इसमें जो गिरावट है वो मैक्सिमम हो चुकी है, जितने भी रिटेलर्स हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब बस वक्त है ऑपरेटर के आने का और स्टॉक को ऊपर ले जाने का। तो ऑपरेटर आएंगे बहुत जल्द तो ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, और जितने भी आपके यहाँ पे होल्डिंग है ऊपर के लेवल पे, प्रॉफिट मिलने वाला है बहुत जल्द। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।